हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। हमारे आज के वीडियो में हम जय शेट्टी द्वारा लिखित थिंक लाइक अ मॉन्क बुक के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपको बुक की समरी प्रदान करेगा। थिंक लाइक अ मॉन्क यानी सन्यासी की तरह सोचें। अगर आपको क्रिकेट के बारे में सीखना है तो आपको सचिन तेंदुलकर से सीखना होगा। अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अंबानी या अदानी से सीखना होगा। ठीक ऐसे ही यदि आप मॉन्क की तरह सोचना चाहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो ये आपको मॉन्क से सीखना होगा। क्योंकि मॉन्क दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर होते हुए भी अपना जीवन आनंद से जीते हैं। उनके अंदर कोई दुविधा नहीं है, उनका माइंड काफी पावरफुल होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सन्यासी की तरह सोचना चाहते हैं, दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी का आनंद लेना चाहते हैं, तो आथर जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क आपके लिए है। तो बिना किसी देरी की थिंक लाइक अ मॉन्क बुक से जानते हैं अपने माइंड को मॉन्क की तरह कैसे डेवलप करें, जीवन में खुश कैसे रहें, दिमाग को शांत कैसे रखें और जीवन को लक्ष्य पूर्ण कैसे बनाएं। हम अपनी आइडेंटिटी को समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी अलग होती है। जब हम अपने दोस्त के साथ होते हैं तब हमारी आइडेंटिटी अलग होती है। ऐसे में हम अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं और अपने फेस पर कई परत बना लेते हैं, जिसे हम सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर कोई कहता है पैसा सब कुछ है, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं। दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी आइडेंटिटी को बदलना बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से हम अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 3 श्लोक नंबर 35 में लिखा है, किसी व्यक्ति के जीवन का नकल करके जीने से अच्छा है हम अपने के भाग्य के अनुसार जिए। इसलिए हमें इन्फ्लुएंस की धूल को हटा करके अपनी रियल आइडेंटिटी को बाहर लाना होगा और सेल्फ ऑडिट करना होगा। सेल्फ ऑडिट करने के लिए आप एकांत जगह में बैठ जाएं, जहां कोई ना हो। आपको सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उसके साथ रहकर आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। जब आप एकांत में सेल्फ ऑडिट करते हैं तो इससे आप दूसरे के इन्फ्लुएंस की लगी धूल को हटाकर आप अपने आत्मा की आवाज सुनते हैं और यह प्रक्रिया आपको आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने में मदद करती है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में आपका इन सभी लोगों से दूर रहना पॉसिबल तो नहीं है। फिर भी आपको नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक व्यक्ति हैं, उससे 3 गुना ज्यादा प्रेरणा देने वाले लोगों को अपने जीवन में रखें। आप अपना 75% समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाना चाहते हैं। कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी से भरे होते हैं कि उन्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप घंटों तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे में आप विचार करें कि आप किस व्यक्ति को कितना समय देना चाहते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, किसी दूसरे के मुंह के दांत ना गिनो। ठीक इसी तरह आप किसी दूसरे की समस्या को तब तक सुझाने की कोशिश ना करें जब तक आपकी आवश्यकता ना हो। अगर आपके पास उस व्यक्ति की सहायता करने की क्षमता हो तभी ऐसा करें। दोस्तों, इसके अलावा हमारे अंदर भी नेगेटिविटी होती है। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर स्पॉट स्टॉप और स्वैप टेक्निक यूज करने के लिए कहते हैं। स्पॉट, इस स्टेप में आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको इसकी पहचान करना है। स्टॉप, इस स्टेप में आपको ये सोचना है कि आखिर किस कारण से आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे वही रोक दे ताकि ऐसे थॉट्स आपके अंदर दोबारा ना आ सके। स्वैप, इस स्टेप में ऑथर नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के लिए कहते हैं। इसके लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, समय न तो वो बुक समरी वीडियो देखें।
या फिर महान लोगों या जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो उनका बायोग्राफी पढ़ें। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अपने इंटेंशन को जानें। यदि आप किसी काम को कर रहे हो तो उस काम को करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अगर किसी चीज को अचीव कर लेते हैं फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा उस चीज को अचीव करने का इंटेंशन गलत था। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप किसी व्यक्ति की हेल्प इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि बदले में वह भी आपकी हेल्प करेगा, तो आपके हेल्प करने का इंटेंशन गलत है। अपने आसपास के समय को पहचानें। हर लोकेशन की अपनी एक एनर्जी होती है। अगर हम 10 अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो हमें उन सभी जगहों पर अलग अलग एनर्जी मिलती है। इसलिए मॉन्क मेडिटेशन के लिए शांत वातावरण में जाते हैं, ना कि पार्क में। इसलिए आपको अपने अलग अलग कामों के लिए एक स्पेशल जगह और समय का चुनाव करना चाहिए, ताकि आप सेम काम को रेगुलरली सेम समय पर रेगुलर कर सके। इससे आप कम समय में कम एफर्ट के साथ ज्यादा काम कर सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को आपकी हेल्प की जरूरत हो तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करें, क्योंकि आप जितना निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की मदद करते हैं तो वह लौट कर आपके पास ही आता है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ा में हो तो उसकी पीड़ा को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी आर्थर जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क बुक की समरी। आपको यह समरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।